एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे व्यूवर्स के लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं उनके रिलेशनशिप में इस फुल मून पर। इस फुल मून से नेक्स्ट फुल मून तक के लिए एनर्जी होगी, ठीक है। जोनो रीडिंग है सभी जोडियक साइन के लिए, सभी एज ग्रुप के लिए, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम आपके रिलेशनशिप को कवर करने वाले हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या मेजर चेंजेस हो सकते हैं इस फुल मून पर, ओके। जोनो रीडिंग भी है और जब भी आपके सामने आए कि आप देख सकेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। देखते हैं ये फुल मून हमारे व्यूवर्स की लाइफ में उनके रिश्ते में क्या चेंजेस लेकर आएगा। जो स्टॉक एनर्जी से थी आपके रिलेशनशिप की, मतलब आपको रिलेशनशिप में एक्शन देखने को नहीं मिल रहा था, लाइक आपको समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा रिलेशनशिप में, तो उसमें आप मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं आपको। वो भी बहुत क्विक एनर्जी है, जल्दी एनर्जी है अब आपके पार्टनर की, कि वो वेट नहीं कर पा रहे हैं। एनर्जीज को लेके काफ़ी ज़्यादा उदास और परेशान है आपका पार्टनर। ये कार्ड भी है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं या तो आप या तो आपका पार्टनर, ओके। इस रिलेशनशिप में आपके फेवर में आती हुई दिखाई दे रही हैं चीज़ें, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर। अगर अब मैं आपकी बात करूं तो आपको यहाँ पर खुद में चेंजेस लाने होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे व्यूवर्स नहीं समझ पाते कि उनसे रिलेशनशिप में क्या गलती हुई है, ठीक है। देखा, कुछ तो है जो आपको भी चेंज करना है। कई बार अपनी गलती एक्सेप्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। हो सकता है आप में से किसी की कोई गलती ना हो, बस मैं एक जनरल बात बता रही हूँ, ठीक है। हम देखो, खोने का डर तो आप दोनों को एक दूसरे का है, आप दोनों एक दूसरे को खोना नहीं चाहते हैं। इन कार्ड को रीड करते हैं, फिर हम क्लेरिफाई भी कर लेंगे दूसरे डेक से। नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी हमें ये बता रही है कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में, ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, काफ़ी समय हो गया है, ये पर्सन आपके बिना काफ़ी ज़्यादा उदास और परेशान है, ठीक है। देखते हैं नाइट ऑफ सोर्ट्स और क्यों आया है हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या चेंजेस हैं उनके रिलेशनशिप में इस फुल मून पर। डेविल एनर्जी से निकल रहे हैं आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, क्योंकि ये पर्सन अब आपके बिना रह भी नहीं पा रहा है और आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बंधन से बंधे हुए आप दोनों। कितना भी नेगेटिव हो जाए, आप दोनों अलग नहीं रहोगे अब, ठीक है। देखते हैं उदास और परेशान क्यों है, क्यों ये पर्सन आपके बिना उदास फील कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन अब आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बढ़ेगा ये पर्सन, क्योंकि काफ़ी समय से ये पर्सन सिर्फ उदास एनर्जी में आपकी तरफ देख रहा है, बढ़ नहीं पा रहा था आपकी तरफ। तो ये सब कार्ड सब सीधे आए हैं, तो ऑब्वियस है हाई प्रिस्टेस के लिए कार्ड जाएँ, तो ये सभी कार्ड हम देखेंगे। ऑलराइट, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला, कंट्रोलिंग, ज़िद्दी हो सकता है और इस एनर्जी से निकल कर यह पर्सन आपकी तरफ आएगा। ये आपके साथ आकर एकदम बच्चों की तरह हरकत करता होगा। इस फुल मून पर ये पर्सन आपके साथ शादी करने का डिसीजन ले रहा है, बहुत मेजर और पॉजिटिव चेंज है ये, इसके विषय की ये पर्सन आपके साथ शादी करें, ठीक है। बहुत ही अच्छी सी एनर्जी है। ऑलराइट, देखते हैं नाइन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है। तो इस पर्सन को बहुत सारे लोगों के और आपको भी बहुत सारे लोगों के, समाज के, ख़ास तौर पे आप दोनों की फैमिलीज का तो कुछ इशू ऐसा नहीं आया है मुझे ऐसे लग रहा है, पर यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, हो सकता है। अच्छा, ये चीज़ भी है कि ये क्यों इस तरीके से ये पर्सन उदास परेशान है और काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन सो नहीं पा रहा है, मेंटली स्ट्रेस इसको बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ तो ऐसी चीज़ें जो सोच कर ये बहुत ज़्यादा परेशान है। डेविल की एनर्जी के साथ ये कार्ड आया, इसका मतलब ये है कि इसको एहसास हो रहा है कि आप दोनों को एनर्जी, आप दोनों को दूर करने के लिए काफ़ी स्ट्रांग एनर्जीज यूज़ की जा रही है, या फिर ये पर्सन को स्टक किया जा रहा है। तो ये क्या है, ये पर्सन की एनर्जीज तो है आपके साथ शादी करने की, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है कि इतना सब कुछ प्यार होने के बाद भी आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा है। लेकिन ये पर्सन एनर्जीज से निकलेंगे और आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, ओके। यस, ये पर्सन आ रहा है आपके पास, किस तरह से आपकी तरफ बढ़ना है ये पर्सन डिसाइड कर लिया है। बहुत जल्दी ये पर्सन आपको ऑफर करेगा पेज ऑफ कप्स के साथ, देखते हैं और क्या चीज़ आती है। ओह, ठीक है,
देखो टावर मूवमेंट ख़त्म कर देगा ये पोर्सन आपके साथ, पेज ऑफ कप्स वापस प्यार ऑफर करेगा, टावर मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा, अनब्लॉक करने की एनर्जी आगे होगी, ये पर्सन कॉल मैसेज करेगा और अनब्लॉक करेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं एम्परर के साथ आया वो, ठीक है, ये पर्सन अपना ईगो अपना गुस्सा साइड करके आपकी तरफ बढ़ेगा और आप दोनों मिल सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो, ठीक है, मिलने की एनर्जी है, ये पर्सन की एनर्जी बहुत प्यारी सी आई है आपके लिए, ये पर्सन आपके साथ शादी करने का डिसीजन ले लिया है, ठीक है। तो ये थी हमारी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई, पसंद आई तो खुश रहो, पॉजिटिव रहो, रीडिंग को लाइक कर देना, बाय बाय।